बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने रविवार को माड़ेपुर स्थित सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल और जिला खेल अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान जिले में खेल के विकास को लेकर चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही उक्त योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत खेल भवन और व्यायामशाला भवन के निर्माण, मल्टी जिम, ओपन जिम एवं खेल उपकरण अधिष्ठापन, प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण, स्टेडियम जीर्णोद्धार तथा युवा कार्य और भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल गतिविधियों को बढ़ाने पर विचार किया गया। वही मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिले में खेल से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को लेकर ये बैठक की गई थी। जिला में खेल से संबंधित जितने भी अवसंरचनाएं हैं वो कैसे यहाँ सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप हो, इसके लिए अभी यहाँ के जिला पदाधिकारी, नगर के आयुक्त के साथ मीटिंग करके जो जो यहाँ स्थल हैं, जो चाहे जैसे आपका स्टेडियम है वहाँ जो कुछ भी बनना है उसकी समीक्षा किए हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसे ग्राउंड हैं जिस ग्राउंड पर कहीं हॉकी का और कहीं फुटबॉल का, इस प्रकार से हम लोग चाह रहे हैं। जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई है और जिलाधिकारी ने सारा रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन या एक महीना के अंदर हम सारा यहां से भिजवाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहां का जो भी खेल से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इसके लिए आगे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। एक जो एक पेश फंस रहा है कि स्टेडियम में ही स्विमिंग पूल का निर्माण, इसको लेकर नहीं, उसको उसके लिए बात हो गई है जिला पदाधिकारी से और नगर के आयुक्त से। दोनों कल जिला पदाधिकारी अपने स्वयं नगर आयुक्त के साथ जाएंगे, उसको देखेंगे और उसको देख करके यदि लगेगा कि इसमें नहीं बनने लायक जगह है तो उसको कहीं बगल में शिफ्ट किया गया। हमको ये भी खुशी है कि आपके पास मान लीजिए स्मार्ट सिटी में